77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जो उनके 10 साल के कार्यकाल के दौरान गरीबों तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने आवास योजना से लेकर स्वनिधि योजना की सफलता के बारे में लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को बताया। साथ ही पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर एक नई योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। क्या है विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना? विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि कौशल विकास व आधुनिक तकनीक और औजारों को एक आम कारीगर की पहुंच को सुगम बनाने के लिए भी कदम उठाएगी। आसानी से लोन उपलब्ध कराने, हुनर निखारने और डिजिटल सशक्तिकरण करना इस योजना का मकसद है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि सरकार देश के हर एक विश्वकर्मा को संस्थागत समर्थन मुहैया कराएगी। किसे होगा फायदा? विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को होगा। बढ़ई, मूर्तिकार, लुहार, राजमिस्त्री और ऐसे अन्य काम करने वाले कारीगरों को अपना काम करने और अपने हुनर के विकास में ये योजना मददगार साबित होगी। इन कारीगरों को अपने उत्पाद के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के भी प्रावधान इस योजना में किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का बजट 13 से 15 हजार करोड़ रुपए होगा। सरकार इस योजना के जरिए पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी। इस योजना का मकसद ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना है जो हाथ से कोई स्किल्ड वर्क करते हैं और पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं।